हेलो दोस्तों, जय महाकाल। मैं आपका दोस्त चंद्रशेखर सुन्नी टू इन्फिनिटी चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग ट्रिक पाने के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों वीडियो पूरा ज़रूर देखें, जिससे आगे आने वाले राजस्थान के जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें दोस्तों आपके बहुत सहायता मिलेगी, जैसे पटवारी, वनपाल, वन रक्षक, हाई कोर्ट, LDC या राजस्थान SI, उन सभी में आपको दोस्तों बहुत नॉलेज मिलेगी और आपके याद करने में भी आसानी होगी ये चीज़ें। तो हम दोस्तों आभूषणों के बारे में बताते हैं। अगर एक ट्रिक बड़ी लगे तो आपको मैं दो छोटी छोटी ट्रिक बताऊंगा आज, जो गले के आभूषण क्या है, ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा के गले के आभूषण हैं, तो उनको अगर एक ट्रिक में आपको याद नहीं होती है तो मैं आपको दो छोटी ट्रिकें बताऊंगा, जिससे आपको याद होने में आसानी रहेगी। दोस्तों, तो गले के कौन कौन से आभूषण हैं उन सभी को हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ते हैं। दोस्तों, जैसे एक बड़ी ट्रिक तो ये है याद करने की कि चंपा, मंजू, मटर और सीता, चंपा, मंजू, मटर, सीता और तुलसी, ये जो पाँचों हैं यानी पंचमंडली है, ये पांच लोगों की पंचमंडली है। तो ठीक है, चंपा, मंजू, मटर, सीता, तुलसी की पंचमंडली दूसरे बाजार में दलिया की बोरी खुंगाल ली हाल ही में। ठीक है, एक तो ये ट्रिक है, इसमें आपको वैसे तो सब याद हो जाएंगे, लेकिन अगर ये आपको कंफ्यूज करती है या बड़ी है भाई, ये याद नहीं हो सकती, तो मैं आपको दो छोटी ट्रिकें बताऊंगा, तो उनसे भी आपको ये सब याद हो जाएंगे। तो पहले ये बड़ी ट्रिक, जिसको भी इंटरेस्ट लगे या याद हो जाए तो आपको बहुत अच्छा है कि एक ही ट्रिक में सभी याद हो जाएंगी। तो इसकी देखो, चंपा से दोस्तों याद रखना, चंपा से चंपाकली हो गई, क्या क्या हो जाएगी, चंपा से क्या हो गया, चंपाकली, ठीक है, चंपावली और चंदनहार, ये सब चंपा से हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, फिर मेष से हो जाएगा दोस्तों मंगलसूत्र, क्या हो जाएगा, मेष से मंगलसूत्र, मंजू में जो मैं है वो किसका प्रतीक है, मंजू का, मंजू में जो मैं है वो है मंगलसूत्र। जू से याद हो जाएगा दोस्तों, जू है इसमें तो जुगावली हो गया। ठीक है, मटर से हो जाएगा दोस्तों मटरमाला, क्या हो जाएगा, मटरमाला। सीता से हो जाएगा दोस्तों सीतारामी। तुलसी से याद रखना, तुलसी, तुलसी कहाँ का आभूषण है, गले का, ठीक है, तुलसी, तुलसी हो जाएगा। की से याद रखना दोस्तों, की से कंठमाला या कंठी भी बोल सकते हैं इसको, कंठी, कैसे, कंठी। पंचमंडली, ये पंचमंडली खुद एक आभूषण है, तो ये पंचमंडली जब भी आ जाए, पंचलड़ी, तो पंचलड़ी क्या है, पंच से याद रखना दोस्तों, पंच से, पंचमंडली में पंच है उसका, तो याद रखना पंचलड़ी। ठीक है, मंडली से याद रखना दोस्तों मंडली, खुद एक गले का आभूषण है दोस्तों। ठीक है, दूसरे बाजार, तो दूसरे बाजार से याद रखना दोस्तों, दूसरे से याद रखना दुस्सी, ठीक है, बाजार से याद रखना दोस्तों बजटी, ये नाम ही इसमें मैच कर रहा है तो दिक्कत ही नहीं होगी। मेष से याद हो जाएगा दोस्तों, ये थोड़ा याद होने में थोड़ा वो हो जाएगा कि कन्फ्यूज हो जाओगे, इसलिए मोहन माला, ये तो आपको वैसे भी पता होगा, मोहन वाला, मोहन माल और मोहरन, ये सब इसी की है। दलिया, दलिया से क्या याद रखना दोस्तों, देखो मांदलिया के अंदर लास्ट में दलिया लिखा हुआ है, तो उससे भी आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये गले का आभूषण है। बोरी से याद रखना दोस्तों, बोरी भी, निबोरी जो लिखा हुआ है उसमें लास्ट में पीछे बोरी है, क्या है, लास्ट में बोरी लिखा हुआ है, देखिए, तो इससे भी आपको पता चल जाएगा कि गले का आभूषण है। खुंगाली, खुंगाली से याद रखना, खुंगाली एक गले का आभूषण है। हाल से दोस्तों याद रखना, हालरो, ये भी गले का आभूषण है, ठीक है, हाल ही में, तो ही से याद रखना दोस्तों, ही से क्या हो जाएगा, हासली। तो ये तो है बड़ी ट्रिक, अब मैं आपको छोटी दो ट्रिकें बताऊँगा, देखिए, जिसमें आपको ये सभी याद हो जाएगी। एक तो ट्रिक है मोहन दूसरे बाजार में जार दलिया की बोरी खुंगाली, मोहन दूसरे बाजार में जार दलिया की बोरी खुंगाली, तो मोहन से क्या क्या याद रखोगे, मोहन से याद रखना मोहन माला दोस्तों, मोहर माला और मोहरन, ठीक है, आसान है अगर मोहन याद हो जाएगा तो। दूसरे से याद रखना दोस्तों दुस्सी, ठीक है, बाजार में जो बह या बाजार से याद रखना बजटी, ठीक है, जार से याद रखना दोस्तों जालरो,
दलिया से, दलिया आपने अभी मैंने बताया कि दलिया किस में छिपा हुआ है, माँ दलिया मांदलिया में दलिया छिपा हुआ है। बोरी भी कहाँ छुपी हुई है, निबोरी में, ठीक है, निबोरी इसमें बोरी है। खुंगाली में खुंगाली, ये भी गले का आभूषण है, ठीक है। और दूसरी ट्रिक है, एक तो ये हो गई छोटी ट्रिक, ये भी आसान है बहुत, और ये दूसरी वाली ट्रिक है। हाल ही या हाल तुलसी पंचमंडली ने गले से मंगल गावली, यानी हाल तुलसी पंचमंडली ने गले से मंगल गावली, भाई साहब गले से मंगल गावली, तो इसमें क्या हो जाएगा, जो हाल है उससे क्या क्या याद रह जाएगा, हालरो हो जाएगा, हाल हो जाएगा, हासली हो जाएगा, और हसली हो, हस्ती हस्ती हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हाल के हैं जिससे आप याद रख सकते हो इन चारों को, ठीक है। तुलसी से आपको तुलसी याद हो जाएगी, ये भी गले का आभूषण है। पंचमंडली में पैसे याद रखना दोस्तों, पंचलड़ी, ठीक है, क्या याद रखोगे, पैसे पंचलड़ी। और दोस्तों चैसे याद रखना, चैसे क्या याद रखोगे, चंदनहार या चंपावली, ठीक है। और मंडली से याद रखना मंडली, और इसमें तुलसी के अंदर जो सी है उससे याद रखना दोस्तों सीता रामी, ठीक है। ने से याद रखना नेकलेस, गले से, गले में जो है तो गले के आभूषण हो गए, एक तो गले गला याद रह जाएगा इसी से, भाई ये गले की ट्रिक है, भूल भी नहीं सकोगे इससे। और ले से याद रखना दोस्तों गले से गलपटिया, क्या याद रखोगे, गले से गलपटिया, ठीक है। मंगल से क्या याद रखोगे, मंगलसूत्र। गावली, तो ली में ज़्यादातर गावली काहे में आ रहा है, जुगावली के अंदर पूरा गावली लिखा हुआ है, देखो लास्ट में जुगावली, तो जू को हटा दे देंगे तो क्या हो जाएगा, गावली, तो तुरंत आपको गावली से याद आ जाएगा कि जुगावली में छिपा हुआ है, तो इस ये भी गले का आभूषण है। तो ये हो गए दोस्तों दोनों शॉर्ट ट्रिक है इन दोनों की, अगर आपको दोनों एक बड़ी लगे तो इन दोनों छोटी को याद कर लेना दोस्तों, जिससे आपको आसानी रहेगी याद करने में, बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में अधिकतर पूछते हैं, 100% है कि एक क्वेश्चन एक एग्ज़ाम में आता ही आता है दोस्तों, एक या दो भी पड़ जाते हैं, तो एक तो क्लियर हुआ आपका, एक नंबर तो पक्का है, तो उससे दोस्तों आपको बहुत हेल्प मिलेगी वीडियो से, तो पहले वाले भी वीडियो ज़रूर देख लें जिससे आपको बहुत हेल्प मिल सकती है। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें दोस्तों, धन्यवाद आप सभी।